हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम मुकेश नोटियाल। आज के दिन की शुरुआत हुई है और आज जो मेरे को पहली ही चेकिंग मिली, मेरे को इस गाड़ी में मैं आया था भाई, मेरे को दूसरी ही चेकिंग भी मिल गई है। और ये भैया है मेरे साथ में, ये ऋषिकेश जा रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि आप ऋषिकेश जा रहे हो, इन्होंने कहा हाँ। तो मेरे को जो इनके साथ मैं ऋषिकेश तक जा रहा हूँ भाई। अब बैठे बाइक पे और अब निकले ऋषिकेश के लिए। यहाँ से सफर होता है शुरू। अब कुछ भी बोलो यार, रीचेकिंग करके कुछ मजा ही और आता है यार। ये डोई वाला चौक है। ये वाला की डोई वाले की मार्केट है। मैं बैठा हूँ ये पीछे गाड़ी में, बाइक पे बैठा हूँ। बाइक में मेरे को लिफ्ट मिली है, मैं बाइक पे बैठा हूँ भाई। इन्होंने मेरे को यहाँ पे उतारा है और मेरे को यहाँ से निकलना आगे ऋषिकेश के लिए। यहाँ तक ही मेरे को लिफ्ट मिली थी, उसके बाद अब नेक्स्ट लिफ्ट देख रहा हूँ भाई। शिवाजी नगर जाएगा। अंदर जाओगे? नहीं नहीं, बाहर ही उतरना। शिवाजी नगर गेट पे मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। यहाँ पे मेरे को लेने आ रहा मेरा फ्रेंड की अगर मैं बात करूँ, स्कूल टाइम में जब बच्चे साथ पढ़ते थे उस टाइम पे हम साथ में थे, और इसके बाद हम काफी साल बाद मिलेंगे। तो रोही मेरे को आज विजिट करने यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने सोचा चल क्योंकि आज का स्कूल के पास कर लेता हूँ। जस्ट पीछे दिख रहा है ये एम्स हॉस्पिटल है, जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ। मैंने यहाँ पे पूछा, मैं तो फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आऊँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था। ये अपना भाई जो कि मेरे को 20 साल बाद मिला होगा करीबन। आई थिंक जब बचपन में पढ़ते थे उस टाइम पे साथ थे, तो हम शायद थर्ड तक साथ थे ना, उसके बाद अलग अलग हो गए। तो बस फेस के बाद चले यार। चल भाई घर पे पहुंच गए, जहाँ पे भाई का रूम है, मेरे बचपन का यार। मैंने क्या बना रहा हूँ आज, स्पेशल बना रहा है कुछ? राजमा चावल बना रहा हूँ। बहुत दिनों बाद राजमा चावल खाऊंगा। बचपन में साथ खाया होगा खाना, क्योंकि हम साथ ही पढ़ते थे, तो इसलिए काफी टाइम बाद आज मुलाकात हुई यार। पहले पानी पी लेते, उसके बाद बातें करते हम बैठ के। ये स्पेशल बनाया था राजमा चावल। ये है राजमा और चावल, जो हमारा दिन का खाना है आज का। थैंक यू भाई। ये सामने त्रिवेणी घाट है, वो लक्ष्मण झूला उधर का कोने का। ये बोल रहे कि सामने जो जगह दिख रही है त्रिवेणी घाट है, तो वहाँ पे तो मेरे को शाम को ही जाना पड़ेगा। शाम के टाइम अब इधर ही घूम लेते हैं। किधर को चलते? किधर? बैराज के साइड। मतलब तुम्हारा इधर आश्रम था, ये स्कूल था, जस्ट इसके पीछे है। इसके पीछे चल यार, बढ़िया है। देखो साथ में गंगा जी जा रही है। तो इधर और क्या बोलते थे, स्नान उस्नान करते कहाँ पे हो? अच्छा लगा यार, कैसा लगा तेरे को आज? बढ़िया है सच में यार, कभी नहीं सोचा था कि हम जल्दी मिलेंगे। जल्दी गए, ये तो वही हो गया जैसे कुंभ के मेले में, नहीं बोलते मेले में बिछड़ गए, कुंभ के मेले में बिछड़ गए और इतनी साल बाद मिले हम। इस जगह पे आया हूँ, बैराज के पास में है। और जस्ट जो मेरे पीछे का व्यू देखो, और चारों तरफ का व्यू देखो, अरे वाह यार, चिल है, चिल। ये देखो चिल है एकदम यार, वाह बहुत बेहतरीन, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, यहाँ पे आके बड़ा सुकून मिला यार। मैं फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आया हूँ। वो देखो दूर दूर तक गंगा जी के, और नीचे गंगा जी बह रही है और साथ में हम खड़े, सुकून तो मिलना है यार। इस रास्ते पे ही चल रहा हूँ मैं अभी, करीबन आधे घंटे से चल रहा हूँ मैं इस साइड पे। और मेरे को जाना उधर सामने जाना, मेरे को वहाँ पे राम झूला और लक्ष्मण झूला है। तो मैंने सोचा चलो यार गंगा जी के साथ साथ में हम चलते हैं। इतना खूबसूरत व्यू है यहाँ से जो दिखाई दे रहा आपको। और वो नीचे देखो बत्तख दिख रहे होगे शायद आपको, वो सामने जाना मेरे को। तो ये एक रास्ता मेरे को लगा, नहीं यार साइड से चलते हैं, इधर ये जंगल है इस साइड पे, क्योंकि मार्केट से इतना रश था यार, इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है साइड से बेटर रहेगा। यहाँ से ऐसा दिखता है यार कुछ भी हो यार। अभी भी मैं पहुँचा नहीं, त्रिवेणी घाट जाना मेरे को, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है अभी, और मेरे को अभी भी चलना है इसी रोड पे, ये जो ट्रैक बना हुआ इसी पे जाना है मेरे को।
फाइनली मैं पहुंच गया हूं त्रिवेणी घाट पे। ये है त्रिवेणी घाट सामने। कम से कम आने में एक घंटा लगा क्योंकि मैं पैदल आया था, तो इसलिए ये है ना त्रिवेणी घाट। जी हाँ हाँ, पता क्या हो रहा है यहाँ पे, चलो पहुंच के देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। वो देखो उधर, अच्छा काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए यार, देखो इतने दूर दूर तक ऐसा व्यू दिखता कुछ यहाँ पे। यहाँ पे कुछ ऐसी दिखती है यार मार्केट, अब मुझे नहीं पता इस मार्केट का नाम क्या है, त्रिवेणी घाट रोड ही है, इसी के पास भी ये मार्केट है जहाँ पे मैं अभी घूम रहा हूँ। काफी अच्छा है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आया हूँ यार, तो फिर ऐसा दिखता है कुछ भी नहीं। मेरे को जाना मेन रोड पे, शायद मेन रोड मेरे को सामने लग रही है, तो वहाँ पे जाना है मेरे को, उसके बाद वहाँ से निकलना है। मेन रोड पे आया हूँ यार अभी, और मेरे को जाना है इस साइड पे भी, क्योंकि जो राम झूला है लक्ष्मण झूला है वो जस्ट मेरे पीछे है, तो यहाँ से करीबन 3 या 4 किलोमीटर दूर होगा, मेरे को उस जगह पर जाना है। मैंने तो कल ठीक है यार, निकलते हैं उस साइड पर। ये राम झूला के पास मैं पहुँचा हूँ अभी, मैं यहाँ तक पैदल ही आया यार, इतना दूर नहीं था, मैं सुबह से पैदल ही घूमूंगा, और यहाँ से मेरे को अभी आगे निकलना है। मैं पूछता हूँ रास्ता किधर से है। सामने जो दिखा ये राम झूला है, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, ये देखो यार गाइस, और वहाँ पे लोग कुछ लोग राफ्टिंग भी कर रहे हैं, देखो वहाँ पे वो नीचे राफ्टिंग कर रहे हैं, तो व्यू ऐसा दिखता है कुछ यहाँ से, बड़ा खूबसूरत व्यू है यार। राम झूला शुरू आपका, जय श्री राम, जय श्री राम का नाम लो, और ये झूला है यहाँ से, और मैं अभी राम झूला पे जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ा गजब का हिल रहा है यार, ऐसा लग रहा अभी गिर जाऊंगा नीचे यार, काफी हिल रहा है ये तो, ये नीचे अच्छा व्यू दिख रहा है। ये देखो यार राम जी से कुछ ऐसा व्यू देखो, लास्ट तक वहाँ पे है। और ये लास्ट कोना है, मैं राम झूले पे लास्ट पे आया हूँ, और उस साइड पे कुछ ऐसा दिखता है यार, तो देखो कुछ ऐसा व्यू दिखता है जो लास्ट में पहुँच के। राम झूले से आया वापसी, और अब जाना मेरे को लक्ष्मण झूला, 2-2.5 किलोमीटर है, मैंने GPS ट्रैक किया तो 2-2.5 किलोमीटर है, कुछ दूर नहीं है ज़्यादा, सही है, नॉर्मल है, इतना दूर नहीं जाना। मैं मेन रोड पे वापसी आया, और यहाँ से मेरे को लक्ष्मण झूले के लिए जाना है, देखता हूँ लिफ्ट मिलते तो लिफ्ट ले लूँगा, नहीं तो फिर पैदल ही चलूँगा। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है लक्ष्मण झूले का, और जो सामने रोड जा रही है श्रीनगर बद्रीनाथ केदारनाथ, और जो नीचे की रोड जा रही है ये जा रही है आपको लक्ष्मण झूला, और मेरे को नहीं जाना इस रोड पे, अभी भी उतरना ही है, मुझे नहीं पता कितना उतरना है, आई थिंक लगता है सामने यहाँ से शुरू हुआ लक्ष्मण झूला, और अब मेरे को जाना है झूले पे। काफी अच्छा व्यू दिखा यार, ये पैदल मार्ग खुला हुआ, गाड़ी इस पर नहीं जाती है, और ऐसा व्यू दिखता है। शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 4 बज रहे अभी,
तो शाम को कुछ ऐसा व्यू दिखता है यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ पे मंकी बैठा हुआ है, ये देखो मंकी यहाँ बैठा हुआ है, खतरनाक है। ये देखो इधर का व्यू कुछ ऐसा दिखता है पुल से। और मैं अभी लक्ष्मण झूले पे हूँ और यहाँ से, अरे वाह यार देखो सामने कितना खूबसूरत दिख रहा है। लास्ट तक होके आता हूँ। कितना बड़ा टेंपल दिख रहा है वहाँ सामने जो दिख रहा है पूरा उस साइड पे। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, साथ में गंगा जी है वो लास्ट को ना वहाँ पे उस साइड पे जो आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ से निकलना वापसी नेक्स्ट ट्रेन। और यार राम झूले से बड़ा अच्छा लगा यहाँ का व्यू यार। ये है मेरे पीछे लास्ट पॉइंट है लक्ष्मण झूले का जो जस्ट मेरे पीछे दिख रहा है। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिख रही, सनलाइट आ रही है और पीछे टेंपल है, काफ़ी खूबसूरत व्यू है। और साइड पे लोग राफ्टिंग कर रहे हो, नीचे वाली साइड पे देखो आप। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, मन खुश हो गया आके। मैं ऋषिकेश में फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, और मैं पूरा चल के आया हूँ। इट मीन्स यू विल बी टेक मतलब 15 किलोमीटर समथिंग मैं पैदल आया हूँ चल के यहाँ तक, पूरा मैंने पैदल ही घूमा है। जाना है आप इजीली जा सकते हो। वो देखो यार वहाँ पे कितनी खूबसूरत मूर्ति बनी हुई है, वो देखो वहाँ पे देखो सामने वो वहाँ पे मूर्ति बनी है। और ये इधर का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। ये है अभी 5 बजे है और देखो एकदम मैं गंगा जी के पास में नज़दीक आया हूँ। और यहाँ से कुछ व्यू ऐसा दिखता है और देखो लोग उधर राफ्टिंग कर रहे हैं उस साइड पे, और ऊपर से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे ये मूर्ति है और मैं यहाँ से उतरूँगा नीचे उस साइड से। जाऊंगा मैं एकदम नज़दीक गंगा जी के, पानी पी के आता हूँ, प्यास भी लगी है तो गंगा जल ही पी लेते हैं आज। यहाँ से मैं नीचे निकला और ये पहुँचा मैं गंगा जी के पास। और ये गंगा जी के पास में पहुँचा, अब थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करता हूँ देन उसके बाद निकलूँगा और यहाँ पे माता जी के पास पानी पी लेता हूँ थोड़ा। आह सुकून मिल गया यार, एकदम नज़दीक आया। पहली बार मैं गंगा जी के पास इतना नज़दीक आया हूँ, बस हरिद्वार गया था। बट यहाँ पे ऋषिकेश की अगर मैं बात करूँ तो ऋषिकेश में पहली बार इतना नज़दीक आया हूँ। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है मेरे पीछे,